गुड मॉर्निंग क्लास. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर विच इज होल नंबर. होल नंबर क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा. मतलब लाइक होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और फिर जहाँ तक जाता है लाइक इन्फिनिटी. तो होल नंबर हमेशा स्टार्ट कहाँ होता है, 0 से. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर तो है, पर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर नहीं. लाइक 0 नेचुरल नंबर नहीं है, पर 1, 2, 3, 4, 5 जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है, तो 1 से जो है 5 तक मतलब लाइक इन्फिनिटी, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं. मतलब नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आते हैं. ठीक है, तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1. तो फर्स्ट में क्या है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999. तो 10999 ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, लाइक कोई भी नंबर को आफ्टर बोला है, आफ्टर मतलब बाद में, लाइक 1 है 2, 3 ये आफ्टर होता है. और जो लेफ्ट साइड से जाता है लाइक जो 0, -1 ये सब आता है, लेकिन ये सब हमारे होल नंबर नहीं है. 0 से ही हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो हमको इसके बाद का होल नंबर बताना है. लाइक अगर मुझे बोला गया है कि 1 के बाद का 3 होल नंबर निकालिए, तो मैं 1+1 करके आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2. फिर मुझे बोला है कि इसका 1 के बाद का 3 निकालना है, तो 2+1=3, फिर 3+1=4. इसी तरह से आपको इसका भी निकालना है. तो लाइक 10999 में मैं +1 करूँगी, फिर जो भी मेरा आंसर आएगा फिर मैं उससे +1 करूँगी, फिर जो आंसर आएगा उससे मैं +1 करूँगी. तो यहाँ पर 3 नेचुरल नंबर्स बोला है, तो 1, 2 और 3, तो मतलब मेरा तीनों आंसर ये है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001. मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जस्ट बिफोर, बिफोर आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले. ठीक है, तो 10001 का में हम क्या करेंगे, इसमें हमने जैसे +1 किया है वैसे इसमें हम -1 करेंगे. तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अभी मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या रहेगा, 0. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स हैं हमको ये बताने हैं. तो कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, लाइक 33, 34, 35, अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं. और आपको एक इजी मेथड भी बता देती हूँ, 53 - 32, 3 में से 2 क्या 1, 5 में से 2, और -1 करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20. तो मतलब 20 होल नंबर्स है बिटवीन 32 एंड 53. हमको 32 एंड 33 नहीं काउंट, 53 नहीं काउंट करना जब हम फिंगर्स पे काउंट करते हैं. ओके, एंड फोर्थ क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ. सक्सेसर मतलब क्या होता है, आगे का नंबर. तो इसके आगे का नंबर और इसके आगे का नंबर, तो +1 +1 करते हैं. मैं आपको ए बी बताती हूँ, सी एंड डी आप खुद से करिएगा. ठीक है, तो ए और बी है. क्वेश्चन नंबर 5th में 2440701 है, तो उसका सक्सेसर बताना है. तो +1 कर देंगे, +1 करने पे फिर जो आंसर आ जाएगा वो उसका आंसर होगा. अब बी में भी वही है, +1 कर देना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्रोड्यूसर ऑफ. तो इसमें प्रोड्यूसर में क्या है, -1 करना है. जैसे सक्सेसर में +1 करता है, तो प्रोड्यूसर में हम लोग -1 करते हैं. ओके, तो मैं सी और डी बताती हूँ, ए एंड बी आप खुद से करना. ओके, तो 208090 ये वाला, सी वाला, उसमें मैं -1 करती हूँ. -1 किया तो मेरा आंसर ये आ गया. सेम उसी तरह से मैंने डी वाला भी किया है, -1 कर दिया है, तो आंसर ये आ गया. ठीक है, और ए एंड बी आप खुद से करना. अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच ऑफ द होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑन द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन. ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन दैम. अब यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, तो मैं सी और डी बताती हूँ, आप ए और बी खुद से करिएगा. अब यहाँ पर हमको क्या बताना है कि हमको बताना है कि नंबर लाइन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नंबर लाइन पर, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 0, 1, 2 है, तो उन दोनों से मुझे बताना है कि कौन सा लेफ्ट साइड है और कौन सा राइट साइड है. तब मैं इन दोनों का बताती हूँ आपको, जैसे अभी 6, 8 और ये है. ठीक है, तो पहले मुझे फर्स्ट डिजिट देखना है दोनों की, तो बड़ा कौन सा है, 9 है, और 5 क्या है, छोटा है. तो 5 ऑब्वियसली 0 के बाद ये वाला नंबर आएगा, उसके बाद ही ये नंबर आएगा, लाइक 1, 2, 3 है और 4, 5 है, ऐसा पूछा है. तो अगर मुझे 2 और 4 का बोलेंगे तो मैं क्या बताऊँगी कि 2 इज़ द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ 4. मतलब 2 लेफ्ट साइड है और 4 राइट हैंड साइड है, लाइक जैसे 1, 3 और 4, तो ये 2 लेफ्ट साइड है और 4 राइट साइड है.
ठीक है, तो वैसे मैं इन दोनों को बताऊंगी। अब फाइव छोटा है तो ये नंबर लाइन पे पहले ऐसे बता देना है कि फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ मतलब लाइक कहीं पर भी आप बता सकते हो, और उसके बाद आएगा सिक्स सॉरी नाइन एट सेवन सिक्स फाइव। ठीक है, तो फाइव सिक्स सेवन एट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ नाइन सिक्स सेवन सिक्स फाइव, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव। ठीक है, अब हमको बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि नाइन और फाइव है, तो नाइन और फाइव में से नाइन एट सेवन सिक्स फाइव इज़ ग्रेटर, तो ये साइन हम इसको दे देंगे, अप्रोप्रिएट साइन ये है इसके लिए। ठीक है, और डी में भी सेम इसी तरह करेंगे। लाइक पहले तो हमको काउंट कर लेना है, डिजिट्स में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, या एट डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन या सेवन डिजिट है, तो ऑफकोर्स ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो मैंने पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया है। अब जब ये छोटा है तो मैंने क्या लिख दिया, दिस नंबर इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ ये नंबर, मतलब ये नंबर इसके लेफ्ट साइड है, ये साइड है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है हमें वो बताना है, तो हमने पहले ही काउंट कर लिया था, तो हम कैसे बताएंगे कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस। ठीक है, अब ए और बी करना काफ़ी सिंपल है। फिर यहाँ पर क्या है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, हमको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाला बताती हूँ, ए ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो क्या ये सही है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, तो ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स। ठीक है, सी वाला क्या है, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, मैंने आपको क्या बताया था कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से, तो ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ट्रू। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर है, तो येस ट्रू, क्योंकि वन से, मतलब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। तो लाइक वन, जितने भी होल नंबर है वो सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स, मतलब सारे यहाँ पर क्या होता है कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर है, तो नहीं, ज़ीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे ये ट्रू फॉल्स भी कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, थैंक यू।